नए कृषि कानूनों पर आज कमेटी की पहली बैठक, दिल्ली के पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में होगी चर्चा। विरोध का समाधान पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी 4 सदस्यीय कमेटी, 4 सदस्यों में से एक ने अपना नाम वापस लिया। आज होने वाली किसान और सरकार के बीच बैठक टली, अब 20 जनवरी को होगी बैठक। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी आज 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चीन और एलएसी का भी मुद्दा उठा सकते हैं। किसान आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने की साजिश, ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर एक मॉडिफाइड ट्रैक्टर तैयार। ट्रैक्टर में AK-47 के साथ आतंकी भिंडरांवाले का स्टिकर भी लगा हुआ है। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारत विरोधी केसरी ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया है। किसान आंदोलन के बीच में दिल्ली पुलिस सतर्क, सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर SS यादव और एडिशनल DCP ने किसान नेताओं के साथ बैठक की है। किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं, सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन में खालिस्तान से जुड़े लोगों के शामिल होने पर पुलिस सतर्क। सिंघू बॉर्डर पर लहराया गया है पाकिस्तान का झंडा, किसान आंदोलन के मंच के सामने घंटों पाकिस्तान का झंडा लहराता रहा शख्स। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी किसान आंदोलन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। वेब सीरीज तांडव पर एक्शन में योगी पुलिस, लखनऊ पुलिस आज मुंबई में, डायरेक्टर अली अब्बास से करेगी पूछताछ, तांडव टीम से भी पुलिस करेगी सवाल जवाब। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वेब सीरीज तांडव पर बैन लगाने के संकेत देते हुए कहा, वेब सीरीज ने विवादित सीन नहीं हटाए तो फिल्म पर रोक लगेगी। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया तांडव वेब सीरीज का समर्थन, बोले किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने की साजिश है, समाज में जहर घोल रही है बीजेपी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी, सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाने का आदेश, कहा क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने एक बच्चे समेत 22 लोगों को कुचला है, 15 लोगों की मौत तो 5 की हालत गंभीर। सूरत हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया, मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान। सूरत में हुए हादसे से बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में मातम छाया हुआ है और भगतपुरा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है, गराडखोरा गांव में एक परिवार के 3 लोगों की जान गई। गृहमंत्री अमित शाह आज जाएंगे पुलिस हेडक्वार्टर, सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बंगाल में टीएमसी को झटका लगा है, पूर्वी बर्धमान में तृणमूल नेताओं समेत सैकड़ों आदिवासी बीजेपी में शामिल हुए। नंदीग्राम में ममता को टक्कर देंगे शुभेंदु अधिकारी, ट्वीट कर लिखा अब होगी आमने सामने की लड़ाई, नंदीग्राम में स्वागत है ममता दीदी। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा नंदीग्राम से ममता बनर्जी को 50,000 वोट से नहीं हराया तो पार्टी ही छोड़ दूंगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का ममता पर निशाना, कहा दीदी को सता रहा है हार का डर, इसीलिए भवानीपुर से लड़ रही है चुनाव। बंगाल के जंग में कूदे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। 20 जनवरी को बंगाल चुनाव को लेकर के दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक, अमित शाह JP नड्डा के साथ सेक्टर प्रभारी और संगठन मंत्री होंगे इसमें शामिल। जम्मू कश्मीर में LOC और पाक ने सीजफायर तोड़ा है, बारामूला के रामपुर सेक्टर में मोर्टार दागे। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल होगा राफेल, वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन से होगा फ्लाईपास्ट का समापन, वायुसेना की झांकी में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की झलक। सरायकाले खां बस अड्डे के पास ट्रेवल कंपनी के दफ्तर में कई राउंड फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात, कोई हताहत नहीं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज भी घने कोहरे का असर, कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं फिलहाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुन्नी धर्म गुरुओं का ऐलान, कहा फतवा जारी होने तक नहीं होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के शुरुआती 3 दिनों में अब तक 3,81,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, 580 लोगों में साइड इफेक्ट नजर आए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 161 मरीज सामने आए हैं, 8 लोगों की मौत हुई। यूपी में जल जीवन मिशन और नमामि गंगे योजनाओं की जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम योगी ने की समीक्षा, कहा वक्त कर पे पूरी की जाएंगी सभी योजना।
लखनऊ में सेना के एलडीसी भर्ती घोटाला में सीबीआई ने दर्ज किया केस, बोर्ड के अध्यक्ष और 6 लाख पर एफआईआर, धोखाधड़ी और साजिश रचने का आरोप। यूपी में सभी विधायक अपने क्षेत्र में करवा सकेंगे 5 करोड़ रुपए तक सड़कों का निर्माण, सूत्रों के हवाले से खबर। पीडब्ल्यूडी ने सभी विधायकों से मांगे प्रस्ताव। प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला आज, जारी हो सकती है वार्डों की आरक्षण नीति। मेरठ में लव जिहाद के आरोपी पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, 2 लड़कियों को धर्म परिवर्तन की नीयत से अपने साथ लाया था। उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे हैं अफसर, सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर के नाम भी शामिल हैं। उत्तराखंड में पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 3 साल का मिलेगा एरियर, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी मंजूरी, जनवरी 2016 से अक्टूबर 2018 तक का मिलेगा बकाया। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नोएडा प्राधिकरण बोर्ड का बड़ा फैसला, औद्योगिक भूखंडों की आवंटन नीति में बदलाव किया। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बीएसपी महासचिव राम अचल राजभर की संपत्ति होगी कुर्क, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया आदेश। मेरठ के दौराड़ा में गौ तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही हमला हो गया, दारोगा और हेड कांस्टेबल को चोट आई है। नोएडा में डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने की कवायदत, पुलिस कमिश्नरेट और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बीच में एग्रीमेंट। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले सीएम शिवराज सिंह, अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की किरकिरी, प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने सीएम शिवराज के समर्थन में की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के गुना में नशे के अड्डे पर आबकारी और राजस्व विभाग की दबिश, जमीन के नीचे छिपकर हजारों लीटर अवैध शराब रखी गई थी। इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर पर आरोप लगाने वाले डिप्टी रेंजर का ट्रांसफर हुआ, आरएस दुबे की जगह पवन दुबे को मिली तैनाती। नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज, राजभवन में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। नालंदा के पावापुरी में पागल कुत्तों का आतंक, पिछले 15 दिनों में 150 लोगों को काट करके जख्म किया, दहशत में जी रहे यहां के लोग। कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच टैलेंट हंट प्रोग्राम का आयोजन, भारतीय सेना की ओर से युवा टैलेंट को उभारने की कवायद। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप, 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।